founder of Internet Business Tanks, Muhammad Yousaf Saeed. इसके साथ साथ जो फ्लिपा का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जहाँ पे हम वेबसाइट वगैरह सेल करते हैं,
एक प्रॉब्लम जो देखी है मैंने कि हम बिजनेसेस को जब सेल करने जाते हैं और वर्डप्रेस के बात करें तकरीबन 80-90% प्रॉब्लम क्या होती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स ट्राई टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और द बिजनेस व्हेन इट इज डाउनवर्ड. कि जब डाउनवर्ड हो रहा होता है तब वो सेल करने के बारे में जाते हैं और ये आप जो है ना उसका मतलब ये कि आपको जो उस टाइम पे रिजल्ट आएंगे या जो आउटकम आप चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि नो वन वांट टू बाय योर बिजनेस जो वो डाउन फॉर्म पे. तो व्हेनेवर यू वांट टू सेल योर प्रोडक्ट या फिर बिजनेस को सेल करने जाए तो राइट वे जब अपवर्ड ट्रेंड पे हो और आपको नजर आ रहा होगा उसको आप ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते एक्सपेंड नहीं कर सकते. आप ब्लॉगिंग को यूज करके सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर आप ब्लॉगिंग के वे को अपने बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट करने जाए दैट्स वो $1,000 का मंथ राइट. इसको अगर आपने एक महीने जनरेट किया है तो आप नेक्स्ट मंथ जब उसको सेल पे जाएंगे तो आराम से आप $3,000-$5,000 के दरमियान उसको बेच सकते हैं. लेकिन अगर आपने ये रेवेन्यू को लास्ट 6 months से कंसेक्यूटिव आप किया जा रहे हैं तो उसी वेबसाइट को आप $10,000 से लेकर $15,000 तक सेल आउट कर सकते हैं. और यही $1,000 अगर आपने पूरे साल में हर महीने $1,000 अर्न किया है तो अब आपकी वेबसाइट $25,000 से लेकर इससे ऊपर भी जा सकती है. तो व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट ये है कि सिस्टम के स्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है. जब स्ट्रक्चर आप बिल्ड अप करते हैं तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है. अगेन ब्लॉगिंग के साथ साथ अफिलिएट मार्केटिंग एड्स एंड स्पॉन्सर एड्स और स्पॉन्सर एड्स का कोर्स तुम लोगों के बताऊं अगेन फॉर दोस न्यूबीज कंटेंट इज किंग राइट. जितने डेवलपर्स या जितने भी लोग हैं ये डिपेंडेड करते हैं कि यूजर जो आगे है वो किस तरह उसको यूज कर रहा है. आप ब्लॉगिंग के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई है. वर्डप्रेस के अंदर ट्यूटोरियल्स की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी डिमांड है, रिव्यूज की बहुत बड़ी डिमांड है राइट. सो यू कैन स्टेप इन दैट मार्केट और वहां पे ट्यूटोरियल्स या रिव्यूज बना सकते हैं जहां पे डेवलपर्स कॉन्टेक्ट यू कि जहां हम अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं राइट. सो ये चीज आप देखते हैं जो डेवलपर्स हैं उनको चाहिए कि कॉन्टेंट क्रिएट करें अपने प्रोडक्ट्स के अराउंड. एक और बड़ी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु थिंक दे हैव द बिजनेस इन द वे तो किसी प्लेटफॉर्म पे चले गए उस प्लेटफॉर्म पे जाकर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को अप्रूव करवा लिया और वो सेल आने शुरू हो गई और वो बड़े कंफर्टेबल थे कि यार मेरा बिजनेस सारा चल रहा है. दैट इज द इजीएस्ट पार्ट. ठीक है कि आपने सेल कर दिया. मुश्किल पार्ट ये है कि ऑडियंस को आउटसाइड प्लेटफॉर्म सेल करना. अगर आप आउटसाइड प्लेटफॉर्म नहीं सेल कर पा रहे और जो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस की प्रॉब्लम है प्लेटफॉर्म में वर्क अराउंड करते हैं राइट. जो प्रोसेस है वो बहुत क्रिटिकल है. तो डू गो देयर एंड फाइंड आउट हाउ दे फिट कर अगेन वर्डप्रेस एंड टोरेंट लॉन्च. टोरेंट लॉन्च इस पर मुझे तजुर्बा है उसके पर भी वर्क अराउंड किया. टोरेंट लॉन्च के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टू ऑल द डेवलपर्स और जो भी वर्डप्रेस रिलेटेड प्लगइन्स वगैरह काम कर रहे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस सिंपल कॉन्सेप्ट इट विल हेल्प यू ऑल. मार्केटिंग और सेल्स. Marketing is the process that helps you make sales easy. Marketing is not sales. Marketing is the process that makes sales easy. And it starts from the day you got the idea. Not the day you have made a product. What do you do? You make a product. You develop it. You invest it. You start it. You start it. You start it. You start it. You should start getting the sales. तो जिस तरह आपकी मूवी का प्री-बिल्ड करते हैं राइट. जब आप सेल्स से जाएंगे तो ऑलरेडी यू गॉट एन आईडिया और आप उसके साथ मार्केटिंग करके सेल्स करते हो. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कोई भी नया प्लगइन कोई भी थीम कोई भी चीज डेवलप करने जाए तो उसको फ्लोट करना शुरू करें मार्केट के अंदर. और एक और प्रॉब्लम है डेवलपर्स के साथ जो कुछ लोगों से काम किया है आइडिया लगने अपने आइडिया को इतना प्यार करना शुरू कर देते हैं कि वो शेयरिंग नहीं करते. और सर्वे
एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सर्विस वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इसमें आपको आईना अगर नजर आता है कि मार्केट में इसकी डिमांड है या नहीं है, वो सर्विस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा कंप्यूटर चोरी नहीं करता। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी दे देता हूँ, बता देता हूँ, अगर आपने समझ ली तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाएगी डेवलपमेंट फेज के अंदर और बिजनेस की ग्रोथ के अंदर। जिन लोगों को आप समझ रहे हैं अपना कंपटीटर, जो आपके आईडिया आपका कॉन्सेप्ट है से चोरी कर लेंगे या करते भी हैं, वो करेंगे, बट उसके लिए आप उस जगह कंप्रोमाइज कर रहे हैं उन यूजर्स पे, उन क्लाइंट्स पे जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, समझ रहे हैं? तो अपने कंपटीटर्स के लिए या जिसने चोरी करना आपको प्रोडक्ट वगैरह सारी चीजें उससे जान लगा, उसके लिए फोकस करते हैं जो आप ट्रस्ट करता है, जो आपको पे करेगा। जब उसके ऊपर सारी नीति सर्च होना शुरू हो जाएगी तो आपकी बाकी सारी चीजें सेटल होना शुरू हो जाएगी, राइट? और उसमें आप शेयरिंग वगैरह सारी चीजें करेंगे। अब अगेन मैं बात करूं, जब आपकी रोड मैप होगा, ऐसा होगा जो एवरेज होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनके तकरीबन जो है 5,000 से 10,000 सेल्स का इनका टारगेट होता है, राइट? और दे आर द बिगेस्ट मार्केट इन द प्रोडक्ट, जिसके अंदर ये डिफरेंट डील्स को लेकर आकर उसको लॉन्च करते हैं, राइट? एंड इनका नाम से आप अप्रोच कर सकते हैं, हाउ ही गॉट अ टू ओके गॉट अ प्रोडक्ट, ये रिव्यू तो मैंने तो सारी चीजें जैसे वो आपको होती है, और ये एक स्टैट है पेज पर वहां पे लॉन्च हुई थी और 4,000 समथिंग सेल हुई थी, 110 रिटर्न थे और 1,70,000 का बिजनेस किया गया था विद इन 1 मंथ 14 डेज के अंदर, राइट? सो और उनके पीछे बैकअप में कोई टीम्स नहीं है, दिस इज एन ओपनिंग फॉर यू गाइस टू गो एंड सेल योर प्रोडक्ट देयर। बट प्रॉब्लम क्या है और होती है, you are not ready to have that person or joint venture करने से आप लोग घबराते हैं। Please, एक मैंने चीज बहुत find out की है study करने से, research करने से, we as a community, we as a society do not want to share with others. If you do not share the knowledge, आपको कोई और भी नहीं खाने देगा। बात समझिए? क्या होता है कि आपने देखा मेरी प्रोडक्ट है, मेरे नंबर तो कितने डाउनलोड से लिए, मैं जाके नॉन शेयर मोड से जाके शेयर किया, इट डज नॉट हैपन दैट। असल में क्या हो रहा है कि जिनकी प्रोडक्ट्स नहीं है, जो डेवलपर्स नहीं है, जो मार्केटर्स हैं, राइट, दे नो हाउ टू रन द बिजनेस, वो आप लोगों को आगे से जो लोग लगे से प्रोडक्ट बनाई है उनको जाते हैं, सर्च आउट करते हैं .org के सारे प्लेटफॉर्म पे, उनको अप्रोच करते हैं, उनको मिनिमम प्राइसेस के ऊपर एक डील ऑफर करते हैं और जाकर उनको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, उन मार्केट बेसिस पे जिन लोगों ने ऑडियंसेस बनाई हुई है, राइट, उनसे आप जॉइंट वेंचर्स करें, वो सारा मार्केटिंग का जो है वो पेंशन अकाउंट पर दे देंगे, एंड देन वी गारंटी यू, अश्योर यू कि आपकी पहली लॉन्च के लिए $50,000 से ऊपर का रेवेन्यू देंगे, राइट? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट गिविंग एंड शेयरिंग योर परसेंटेज, तो आपकी ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, जो हमारी कम्युनिटी में बहुत मिसिंग है। दीस इवेंट्स आर हेल्पिंग यू गाइस टू कम क्लोज और शेयरिंग करना शुरू करें। Try this के बारे में कुछ जानते हैं।
again, I have another platform जो कि combine कर रही है, जो आप सारे individuals होके products को बना के कर रहे हो, ये यहाँ पे combine करके जो आपने multiple products लिया हो, combine करके team को product को set up कर रहे हैं, ये different options हैं, team के लिए header banner और ये users के लिए effective काम कर रहे हैं, and ये इनका revenue model है, हमने ज़्यादा पढ़ा था, एक और इधर से strategy आप ले सकते हैं ये क्वार्टरली चार्ज करते हैं क्वार्टरली चार्ज करने का मतलब है कि मिनिमम किसी ने भी पे करना है 19 क्वार्टरली पे करना है बट 3 मंथ्स की पेमेंट करनी है राइट सो हर मतलब 3 मंथ्स की पेमेंट करता है आपको मिनिमम 3 मंथ्स का सर्वर मिल जाता है रीकरिंग या सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट के लिए जो प्रॉब्लम्स है जो वर्डप्रेस के आप लोग करते हो वो ये कि नेक्स्ट मंथ लोग नहीं पे करते या वन टाइम ले लेते हैं डाउनलोड जो उसके लिए प्रॉब्लम है अगेन 3 करोड़ 40 लाख का पर मंथ का बिल सेटअप है लर्निंग आप कहाँ से कर सकते हैं स्किल शेयर ड्यूरिंग इस यूट्यूब वगैरह से आप कर सकते हैं और अगेन लास्ट में जाकर जो बात की करूंगा क्यों करना चाहते हैं कहाँ तक करना चाह रहे हैं किधर पहुंचना चाहते हैं ये सारे वो क्वेश्चन है जब तक आपने आपसे नहीं पूछेंगे अपनी टीम से नहीं पूछेंगे राइट और ना की जानकर देंगे इसलिए मैं कहना चाहूंगा जस्ट बिकॉज द टीम और एक और चीज अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास होती है बहुत कम लोग उसको देखते हैं और बहुत कम लोग उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हैं अपॉर्चुनिटी से वो ही लोग फायदा उठाते हैं जो उस अपॉर्चुनिटी के आने से पहले तैयार होते हैं समझ रहे हैं सो यू नीड टू प्रिपेयर कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं कैसे पहुंचना चाहते हैं फाइनल गोल कितना है कितने क्लाइंट से वर्क राउंड करना चाहते हैं एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं है तो आपका फ्यूचर बड़ा ड्रामा रहा क्योंकि आज क्लाइंट्स हैं कल नहीं है आप क्लाइंट्स को बना रहे हो और कल जो हमारी डिस्कशन की हो रही थी जो स्पॉन्सर स्पीकर मीटअप के अंदर थी कि आपसे चार्ज करते हैं $5,000 $10,000 $40,000 और खुद एक एक करोड़ जो है ना $50,000 की वो सेल्स कर रहे थे प्रोडक्ट्स के अंदर आपने कभी ये सोचा कि अगर एक बिजनेस वेंचर आपको $10,000 या $50,000 पे कर रहा है तो वो खुद कितना कमा रहा होगा हम लोग समझते हैं कि हम फ्रीलांसिंग ऑनलाइन काम कर रहे हैं और हम बिजनेसेस कर रहे हैं हम लेबर वाले ही काम कर रहे हैं एंड एंटरप्रेन्योर मैं जब से अपने एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन देने के लिए एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करना चाहता हूँ मेरा ये कॉन्सेप्ट है मेरा ये विजन है कि अगर मैं किसी एंटरप्रेन्योर को आप लोगों को हेल्प आउट करता हूँ अच्छी प्रोडक्ट को बनाते हैं अच्छा सर्व करते हैं तो आप लोगों को इंसानों को हेल्प आउट कर रहे हैं और उनसे कोई भी प्रॉब्लम या कोई सोल्यूशन आप ले रहे हैं और दैट इज आवर पर्पस to come into this world to serve others people so aapki product serve karne ke liye honi chahiye not to make money wo make money ka rahe to saath aayega isliye aap log wordpress ke jo free mein dete hain aapko pata hai ki jab aap free mein lena shuru kar dete hain to kitna grow karna shuru kar dete hain so please find out where you want to go jab tak wo clear nahi hoga आप चीजों को अचीव नहीं कर सकोगे और फिर उसको रिवर्स स्ट्रक्चर डाउन करो कि क्या क्या चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड है कौन से टीम मेंबर्स आपको रिक्वायर्ड है राइट कहां पे आप रिसर्च कर सकते हैं एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड आप मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो सकते हैं और डेवलपर्स जो माइंडसेट के लोग हैं डेवलपर्स जो कम्युनिटी के लोग हैं वो मार्केटिंग को नहीं समझते और आई होप कि आप मार्केटिंग को समझ लें तो आपके बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं Right? So hopefully that will be helpful for you. Thank you very much for your question. Thank you. सब्सक्राइब के बटन को जरूर क्लिक करें और बेल के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हर दफा जब भी हम नई वीडियोस अपलोड करें आपको अपडेट्स आती रहें